दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी और पीएम मोदी की मुलाकात पर तंज कसा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच कोई डील हुई है, जिसके बाद ही कल सरकार ने यह ऐलान किया कि राजनीतिक पार्टियों पर 1000 और 500 के पुराने नोट अपने खातों में जमा करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स कानून के तहत पहले से ही छूट मिली हुई है। सरकार ने यह ऐलान कर रखा है कि अगर अघोषित आय से ज्यादा कोई व्यक्ति अपने खाते में 500 और 1000 के नोट जमा करता है तो उसकी जांच की जा सकती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कितनी भी मात्रा में 500 और 1000 रुपए के नोट जमा करे उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने यह मांग की है कि नोटबंदी के बाद से जितने पैसे राजनीतिक पार्टियों ने जमा कराए हैं उसे सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत खराब है, इससे साफ जाहिर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। नोटबंदी पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि स्कीम भी खराब है, नीयत भी खराब है। अगर राजनीतिक पार्टियों का काला पैसा बिना जांच के रखा जाएगा तो ये देश के साथ धोखा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने यह आशंका जाहिर की थी कि कुछ राजनीतिक पार्टियां काले धन को सफेद करने का काम कर रही है। ऐसे में आयोग ने उन पार्टियों के नाम काटने की बात भी कही थी। ऐसे में सरकार का ये फैसला काले धन पर लगाम लगाने की कोशिशों पर पानी फेरने जैसा है, और यहाँ सवाल भी खड़ा होता है कि क्या वाकई चोर की दाढ़ी में तिनका है। देखते रहिए डीबी लाइव।